फेस ऐसा दिख रहा है या फिर ऐसा, फेस पे बहुत सारे काले दाग हो गए हैं, तिल की समस्या हो गया है, ब्राउन स्पॉट हो गया है, और उसको आप ठीक करने के लिए बहुत कुछ लगाते हैं, ठीक भी हो जाता है, लेकिन दोबारा से फिर तिल की समस्या बढ़ जाती है, तो आखिर ऐसा क्यों? जब एक बार तिल ठीक हो जाता है तो दोबारा से फेस पे क्यों आ जाता है? आज उसके बारे में मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर दोबारा से फेस पे तिल क्यों हो जाता है और तिल आखिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है, बहुत कुछ लगाने के बाद इससे हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, इसका रीजन क्या है, तिल ठीक ना होने का रीजन क्या है या दोबारा से फेस पे क्यों आ जाता है। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, आज मैं आप लोग को जो जानकारी तिल के बारे में देने वाली हूँ, अभी तक शायद मैं भी नहीं इसके बारे में शेयर की थी, पहली बार शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि अगर आपके फेस पे बहुत सारा तिल है और उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ लगाकर देख चुके हैं लेकिन स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तिल की समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। बहुत सारा तो ऐसा कमेंट आता है कि मेरे फेस पे तिल ठीक हो गया था लेकिन दोबारा से फिर से आ गया है, तो आखिर मैं क्या करूं? तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो करिए, तो ये सारी समस्या से आप बच सकते हैं। अगर आपके फेस पे बहुत सारा तिल है और उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ लगाकर देख चुके हैं, जैसे कि मैं भी बहुत सारा रेमेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कोई भी रेमेडी मेरे फेस पे काम नहीं करता है। सबका ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि मेरे फेस पे कोई भी रेमेडी काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई अच्छा सा स्किन केयर के डॉक्टर को अपने फेस को दिखा लीजिए, क्योंकि अगर आपके फेस का जो तिल है होम रेमेडी से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के दिखाइए, उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मेरे फेस का तिल एक बार ठीक हो गया था लेकिन दोबारा से फिर से आ गया है, तो इसका रीजन क्या है? तो आज मैं डीपली आप लोग को जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि तिल ठीक नहीं होता है और ठीक हो जाता है तो दोबारा से फेस पे क्यों हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन कुछ ऐसा है जो कि आप लोग सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। कुछ ऐसा हम गलती करते हैं जिसके वजह से स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, ठीक होने के बजाय वो बढ़ जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को एक दवा के बारे में बताई थी जो कि होम्योपैथिक है, अगर आप उस दवा को नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए, बहुत अच्छा दवा है, उसे तिल 100% ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने उसको यूज किया है और उनके फेस का तिल ठीक हो गया है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने फेस पे दवा का यूज नहीं करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्किन खराब हो जाएगा, तो आप होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है, 100% रिजल्ट देता है, पर थोड़ा लेट से आपको रिजल्ट मिलता है, पर 100% तो रिजल्ट देता है होम रेमेडी, और लॉन्ग टाइम तक भी आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप दवा का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल पे बहुत सारा होम रेमेडीज का वीडियो है तिल हटाने का, आप वो देखिए और उसको यूज करिए। पर कुछ बातों को ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में तिल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको लंबे समय तक उसे यूज करना पड़ेगा। अगर आपके फेस पे ब्राउन स्पॉट है तो उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे तो बहुत जल्द उस पर आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वहीं पे वो ब्लैक हो गया है, पूरी तरह से काला हो गया है, तो फिर उसका रिजल्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मेरे फेस पे प्रेगनेंसी टाइम पे ब्राउन स्पॉट हुआ था जो कि अब पूरी तरह से ब्लैक हो गया है, मुझे लगा था कि ये ठीक हो जाएगा लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ब्लैक हो गया और मेरा फेस पूरी तरह से खराब हो गया है। तो ऐसा होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, फेस पे बहुत सारा ब्राउन स्पॉट हो जाता है जो कि आगे चल के वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, तो अगर आप वहीं पर उसका ट्रीटमेंट कर देते तो खत्म हो जाता, लेकिन ट्रीटमेंट ना करने की वजह से वो बढ़ गया है, काला हो गया है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिर तिल की समस्या से हमें छुटकारा क्यों नहीं मिलता है, तिल ठीक क्यों नहीं होता है और एक बार ठीक हो जाता है तो दोबारा से फेस पे क्यों आ जाता है, इसका रीजन क्या है। सभी के मन में ये सवाल होता है कि दोबारा से फेस पे क्यों आ जाता है, तो ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि इसके बारे में जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे भी बहुत ज्यादा अचंभव हुआ था कि ऐसा भी होता है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका अगर लॉन्ग टाइम तक इलाज करते हैं तो वो 100% तो ठीक होगा, लेकिन वहीं पे अगर आप उसे बीच में छोड़ देते हैं, मतलब कि कुछ टाइम यूज करके उसे बीच में आप छोड़ देते हैं,
उसका पार्ट अगर थोड़ा सा भी स्किन के अंदर आता है तो दोबारा से आपके फेस पे आ जाता है। तो इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम तक करें। अगर थोड़ा सा भी उसका पार्ट स्किन के अंदर रहेगा, अगर वहीं पर अगर आप उसे बीच में छोड़ दिए ट्रीटमेंट करना, तो फिर वो बढ़ सकता है और आपका पूरा फेस खराब हो सकता है। जो कि आप लोग बोलते भी हैं कि मेरे फेस पे दोबारा से तिल की समस्या बढ़ गया है। अब दूसरा रीजन सबसे बड़ा ये है कि आखिर फेस का तिल ठीक क्यों नहीं होता है, इसका इलाज क्या है और इसे हमें ठीक करना है। अगर आपके फेस पे बहुत पुराना तिल है, यानी कि 5-6 साल 10 साल पुराना तिल है, वो पूरी तरह से ब्लैक हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। पर वहीं पर अगर ब्राउन है तो उसका अगर ट्रीटमेंट आप कुछ टाइम ही करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। पर कुछ घरेलू नुस्खा ऐसा है जिसको यूज करके आप तिल पे जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं, पर आप लोग उसे यूज नहीं करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है चूना और सरफ, ठीक है। चूना और सरफ इसे अगर आप यूज करते हैं तो 100% रिजल्ट तो मिलता है, पर बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हुआ है कि उनके फेस पे दाग भी हो गया है। चूना और सरफ यूज करने से उनके फेस पे दाग भी हो गया है। तो अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे मत यूज करिएगा। अगर आप अपने फेस पे कुछ भी लगाते हैं पर स्किन को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप चूना और सरफ का यूज करिए। पर लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि लगाते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से स्किन पे लग जाता है, तिल के बजाय स्किन पे लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पे दाग हो जाता है। तो कुछ बातों को आपको ध्यान जरूर देना है। तिल वाले एरिया पर लगाएंगे तो आपके फेस पे दाग भी नहीं होगा और जो तिल की समस्या है उससे भी आपको 100% छुटकारा मिलेगा। एक और रेमेडी बहुत अच्छा है जो कि ये भी काम करता है। मैं आप लोग को वही रेमेडी बता रही हूँ। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं आपके फेस के तिल पे, तिल जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तभी आप इसको यूज करिएगा। पर थोड़ा सा स्किन को नुकसान भी कर सकता है, अगर तिल के बजाय स्किन पे लग जाए तो हो सकता है कि दाग भी पड़ जाए, ठीक है। तो बहुत सावधानी से आप इसको यूज करिएगा। दूसरा रेमेडी है लहसुन। लहसुन भी बहुत सारे लोगों ने यूज करके अपने फेस के तिल को ठीक भी किया है। पर कोई भी रेमेडी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो सिर्फ अनचाहे तिल को हटाने के लिए, ना कि जो कुदरत ने हमें गिफ्ट में दिया है, जो कि मेरे माथे पर एक तिल है इसको मुझे हटाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आता है कि आपके माथे पर एक तिल है तो उसे आप क्यों नहीं हटाती, तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपके फेस पे भी एक दो तिल है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक दो तिल हटाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा तिल हो गया है तभी आप उसका ट्रीटमेंट करिए, एक दो तिल हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब लहसुन आपको कैसे यूज करना है, लहसुन भी यूज करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज करके अपने फेस के तिल को ठीक भी किया है। तो ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनिए कि आखिर लहसुन आपको कैसे यूज करना चाहिए। लहसुन का रस निकाल लीजिए, उसे कूट करके उसके अंदर जितना रस है निकाल लीजिए। इस तरह का वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ पर हर बार नए नए व्यूअर जुड़ते रहते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो लहसुन का रस निकाल लीजिए, जितना लहसुन का रस है उतना ही आपको उसमें शहद डाल देना है। शहद डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको भी आपको टूथपिन से ही लगाना है, मतलब तिल वाले एरिया पर ही लगाना है, स्किन पे ना लगे। अगर थोड़ा बहुत स्किन पे लग जाता है तो ये नुकसान नहीं करेगा क्योंकि इसमें शहद है, पर जो चूना सरफ वाला रेमेडी है वो स्किन पे ना लगे। अगर लहसुन वाला लग जाता है तो स्किन को नुकसान नहीं करेगा, पर सेंसिटिव स्किन वाले इसे बिल्कुल भी मत यूज करिएगा, हो सकता है कि आपका स्किन रेड भी हो सके, काला भी पड़ जाए वहां का स्किन, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी अच्छा लगे आपको, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अगर तिल जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो। पर स्किन को बचाइएगा अपने, सिर्फ तिल वाले एरिया पर ही लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि तिल थोड़ा लेट से ठीक हो पर स्किन को कोई नुकसान न पहुंचे, तो बहुत सारा रेमेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेट से काम करता है। पर ये दोनों बहुत जल्दी काम करता है, 100% रिजल्ट भी देता है और इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो अगर जल्दी तिल हटाना चाहते हैं तो इसको आप जरूर यूज करिएगा। अगर सब कुछ लगाने के बाद भी आपके फेस का जो तिल है ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो आज इस वीडियो में जो आप लोग को मैं जानकारी दी हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और इस तरह का जानकारी कोई नहीं देता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करें। आप लोग मेरे चैनल पर किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, मैं कितना भी अच्छा वीडियो बना लूं, कुछ भी कर लूं, पर आप लोग मेरा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करती हूँ, पर आप लोग कोई रिस्पांस नहीं दिखाते हैं। तो प्लीज वीडियो को मेरे देखा करिए, शेयर किया करिए। मेरे वीडियो में कुछ भी कमी होता है, आप लोग को ऐसा लगता है कि इनका वीडियो ठीक नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उसका मैं सुधार कर सकूं। एक वीडियो बनाने में फ्रेंड बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज मेरा भी सपोर्ट करिए आप लोग। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।